प्रहार टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आपको बता दें कि जिस तरह से मुंब्रा शहर में लगातार मनपा हॉकर्स पर कार्रवाई कर रही है और कार्रवाई के दौरान हॉकर्स के सामान बीच रोड पर फेंक दिया जा रहा है और आज भी मनपा कार्रवाई में काफी हंगामा हुआ, यहाँ तक कि कुछ हॉकर्स नाराज हो गए और पत्थरबाजी भी होने की खबर सामने आई है। और जिस तरह से हॉकर्स के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके साथ कहीं ना कहीं अब MIM पार्टी के कलवा मुंब्रा के अध्यक्ष शैफ पठान और उनके कार्यकर्ता जो है अब आवाज उठाए हैं कि हॉकर्स पर इस तरह का जुर्म ना ढाया जाए। हमारे साथ यहाँ पर शैफ पठान मौजूद है, हम उनसे ही बात करते हैं। किस तरह की आप लोगों ने जो मुंब्रा प्रभाग समिति में आए थे तो यहाँ पर आप लोगों ने किससे मुलाकात की है और क्या मांगने की है? देखिए, जो मुंब्रा प्रभाग समिति के सहायक है सागर सालून के साथ हमने उनसे मुलाकात की, हमने उनको कॉल किया आपके चैनल के माध्यम से। हम पिछले दो दिन से देख रहे हैं कि हॉकर्स लोग पे किस तरीके से जुल्म हो रहा है, किस तरीके से वो बेचारे रो रहे लेकिन उनका सामान फेंक दिया जा रहा है, उनकी गाड़ियां तोड़ दी जा रही है। तो हम लोगों ने आज उनसे मुलाकात की और उनसे हमने बात की कि देखिए आपकी कार्रवाई है, अगर वो जायज़ है तो करिए, लेकिन इस तरीके का नुकसान गरीबों का ना करिए, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये जुल्म है, ये कार्रवाई नहीं है। ये हम लोगों ने उनसे मुलाकात कर ली। तो अधिकारियों का कहना है कि कोर्ट का ऑर्डर है, तो आप मुलाकात किए तो उनसे पूछे नहीं क्या कि कोर्ट का अगर ऑर्डर है, क्या कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि सामान इस तरह से रोड पर फेंक दें? नहीं, कार्रवाई करने का हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो कार्रवाई है वो कार्रवाई की तरह से की जाए। देखिए, कोर्ट के ऑर्डर की बात जो उनके साथ रहने जो MC सागर सालुंगे के साथ यहाँ के जो कार्यकर्ता अभियंता थे गोसावी साहब, उन्होंने मुझसे कहा कि हमारे पास कोर्ट का ऑर्डर है, तो मैंने भी उनसे कहा कि कोर्ट के ऑर्डर में कहीं नहीं लिखा है कि गरीबों का नुकसान किया जाए, हॉकर्स का है ना सामान तोड़ दिया जाए या नुकसान किया जाए। आप कोर्ट का ऑर्डर होगा आपके पास तो, लेकिन वही कोर्ट के ऑर्डर में कहीं ना कहीं लिखा है तो कहीं ना कहीं हॉकर्स को जगह दिया जाए, लीगल तरीके से हॉकर जगह दे, उसके बाद अगर वो हॉकर्स जो रोड पे बैठते उन्हें अगर वहाँ नहीं जाते तो कार्रवाई करिए ना। वही मैंने उनसे वही कहा कि कहीं ना कहीं कोर्ट का ऑर्डर अगर आप बता रहे हो तो वो ऑर्डर के काफी रेफरेंसेस मैंने भी आपको दिए, पहले हॉकर जोन बनाया जाए और उनको हॉकर्स को बसाया जाए, अगर उसके बाद वो कहीं गलत करते कि आपके हॉकर जोन पे नहीं बैठते तो आप कार्रवाई कर सकते। होता ही है कि आपने आज तक एक लीगल हॉकर जोन दिया नहीं है शहर में, तो हॉकर बैठेगा कहाँ? हॉकर फुटपाथ पे ही बैठेगा, जब आपने कोई जगह ही नहीं दी। शहर की आबादी के हिसाब से 6 से 7 हॉकर जोन होना चाहिए था शहर में, आपने जब भी हॉकर जोन प्रोवाइड किया है तो वो इलीगल वैसे किया है। कभी आपने MMLE के टाटा पावर के नीचे से हॉकर जोन घोषित कर दिया, वो इलीगल। कभी आपने मित्तल के रास्ते पे लाके बिठा दिया, आज रास्ते का काम चालू है, आने वाले 10 से 15 दिन 1 महीना 2 महीने के अंदर आप वहां से उखाड़ेंगे। आपने बाबा जी पाटिल के बाहर जाने हॉकर जोन बना दिया, सब इलीगल। आप लीगल हॉकर जोन दे उसके बाद कार्रवाई करें, नहीं तो आपको कार्रवाई करने का कोई हक नहीं है और इस तरीके का नुकसान तो बिल्कुल भी हक नहीं है आपको। आप लोगों ने कितने हॉकर्स जोन का मांग की है? देखिए, अभी हमने उनसे कहा, हमने वर्बली उनसे बात की, हमने लिखा मेंशन किया, ये जानकारी है, आप लोग को बुलाए हैं कि आइए हम हॉकर जोन दिखाते हैं आपको। हम लोग उनसे बात की, हमने लेटर दिया, हमने हॉकर जोन की मांग की उनसे, उन्होंने हमसे कहा है कि मंडे को आप आइए, हम हॉकर जोन देने वाले हैं, वहाँ पर इंशाल्लाह ताला मंडे को मुलाकात होगी तो हम 6 से 7 हॉकर जोन की बात करेंगे कि हमको 6 से 7 शहर में हॉकर जोन दे और उसके बाद ये कार्रवाई, यानी अगर उसके बाद हॉकर बाहर बैठते तो कार्रवाई करें। मंडे को इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी, आप लोग भी आइए, वो हमको बुलाए पेपर दिखाने के लिए, आप भी देखिए अपनी आँख से। अच्छा, कुछ लोगों का जो हॉकर्स है उनका ये भी कहना है कि इसमें राजनीतिक पार्टियां जो है वो कहीं ना कहीं जो है हॉकर्स के साथ में नहीं आ रही हैं। मनपा को कहा जा रहा है कार्रवाई करने के लिए और मनपा कार्रवाई कर रही है, राजनीतिक पार्टियां जो हैं उनके नेता आ नहीं रहे हैं हॉकर्स के सपोर्ट में, इसमें गरीब जो हॉकर है वो काफ़ी परेशान है। देखिए, इस शहर के साथ जो धोखा हुआ है उसके बारे में मैं क्या बताऊँ, गरीब आवाम ने इस शहर की जिनको चुन के दिया उन्होंने हमेशा धोखा दिया है। चाहे जब भी मनपा ने कोई कार्रवाई करी है, जैसे रास्ता रुंदीकरण के टाइम पे लोगों की दुकानें तोड़ दी गई तो ये गायब थे, आज हॉकरों पे जुल्म हो रहा है तो ये गायब है, जब भी शहर पे कोई बड़ी यानी मुसीबत आती तो ये गायब रहते। तो जनता जिन्हें चुन के दे रही है वो धोखा ही दे रहे हैं, आज भी हॉकर्स के साथ वही हो रहा है इंशाल्लाह ताला। लेकिन MIM इंशाल्लाह ताला हॉकर्स के साथ पहले भी खड़ी थी, आपने देखा हमने कई बार फाइट किया नीचे के हॉकर जोन के लिए और इंशाल्लाह ताला आगे भी खड़ी रहेगी और जो जुल्म हो रहा वो रुकेगा और हॉकर जोन बन के रहेगा। अच्छा, जिस तरह की कार्रवाई हो रही थी, क्या ऐसा आश्वासन दिया गया है आपको अभी कि हॉकर्स का सामान रोड पर नहीं फेंका जाएगा, जो कानूनी कार्रवाई है उसी तरह से कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ऐसा कहा गया है आपसे कि नहीं? जी देखिए, MC सर ने तो कहा है कि बोले अभी मैं नया आया हूँ, मुझे पता नहीं था, लेकिन अभी से मैं ध्यान के मौजूदगी में सब हॉकरों से कार्रवाई हुई है। MC सर वहाँ मौजूद थे जब फेंका जा रहा था। देखिए, जैसे अभी क्या कहा उन्होंने कि ऐसा कार्रवाई नहीं करेंगे, फेंकेंगे नहीं फेंकेंगे, क्या कहा उन्होंने? मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि अभी मेरे से उनसे बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि अभी से ऐसी कार्रवाई नहीं होगी
और इंशाल्लाह अगर ऐसी कार्रवाई होती है तो जो हॉकर से हमें कॉन्टेक्ट करें इंशाल्लाह हम उनके साथ आकर खड़े रहेंगे। अच्छा साहब भाई, आप जो यहाँ के सत्ताधारी पार्टी के नगर सेवक हैं, नेता हैं, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, सत्ताधारी पार्टी के जो नगर सेवक हो या MLA हो या यहाँ के जो MP हो, इनकी और ये जो प्रशासन की जो साजगांठ है ना, जो सिंडिकेट है, उसी का नतीजा शहर भुगत रहा है। ये खुद तो कुछ करते नहीं, जहाँ पर आवाज़ उठा करके हॉकर जोन लाना चाहिए, इनको महासभा में चुन के भेजा गया, वहाँ नहीं चिल्लाते, मंत्री महोदय असेंबली में नहीं चिल्लाते हमारे शहर के लिए, और उसके बाद जब अधिकारी यहाँ आकर जुल्म करते तो ये उनका सपोर्ट करते। जब भी यानी कोई बात होगी हम विरोध में खड़े होंगे तो हमको दिखता है कि ये उनके सपोर्ट में खड़े होते, तो उनकी साजगांठ का नतीजा आज जो जनता भुगत रही है आपको देखने मिल रहा, वो उनकी साजगांठ ही है कहीं ना कहीं। क्यों नहीं वो बोले चुप क्यों? उनकी फाइलें पास करवाने के लिए अपना मफाद उनसे यानी कुछ अपना जाति मफाद निकालने के लिए बस यानी वो चुप है। उनकी वाहवाही करते कि साहब आप बेहतर काम कर रहे हो, आप बोलिए ना कि आप गलत कर रहे हो, आपकी कार्रवाई सही है लेकिन कार्रवाई का तरीका गलत है। तो आपने सुना कि जिस तरह से जो MIM के कलवा मुमरा के अध्यक्ष हैं साहेब पठान, उन्होंने जो आज मुमरा प्रभाग समिति के जो MC हैं उनसे मुलाकात की और मांगनी की कि जिस तरह से मनपा कार्रवाई कर रही है, लोगों के सामान फेंका जा रहा है, उस तरह की कार्रवाई का जो है साहेब पठान को आश्वासन दिया गया है कि मनपा अब इस तरह की कार्रवाई बहरहाल नहीं करेगी। लेकिन जिस तरह से अब मनपा द्वारा जो कार्रवाई जारी है, हम कार्रवाई का कभी विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से इस कोरोना काल में जो हॉकर्स परेशान हैं उनके सामानों को जिस तरह से फेंक दिया जा रहा है, इस तरह की कार्रवाई नहीं होगी।